बिहार विधानसभा के दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में प्रचार का शोर आज थम जाएगा। आपको बता दें कि गोपालगंज और मोकामा दो विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में आज प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर ली है। एक ओर जहां गोपालगंज और मोकामा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और अन्य महागठबंधन के नेता प्रचार अभियान की कमान संभालते नजर आएंगे, तो दूसरी ओर बीजेपी खेमे में भी जोर शोर से इस चुनाव में जीत को लेकर दम लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनता से जुड़ेंगे और महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट अपील करते नजर आएंगे। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी है। घोसवारी प्रखंड में आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव प्रचार करते नजर आएंगे। इस सभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार भी जुड़ेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कार्यक्रम में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। सभी नेता आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी के लिए वोट अपील करते नजर आएंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। महागठबंधन खेमे का ये जोर शोर से प्रचार अभियान चल रहा है। प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो जनता से महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील करते नजर आएंगे। इस सभा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़ेंगे।